हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, आई नो, बट अब कंटिन्यू आएगी वीडियो। और आज हम स्टार्ट करें, जो कि एक चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट करा था। चैप्टर का नाम जो है, दैट इज़ एरिया एंड पैरामीटर, राइट। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी करा दी थी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं इंसिस्ट करूँगी कि वो थ्योरी जाके ज़रूर देखना, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना, बिकॉज फुल नॉलेज होने के बाद देन यू कैन यू नो सॉल्व द क्वेश्चंस। और अगर आपको फॉर्मूलाज या उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगी, तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आधी अधूरी नॉलेज के साथ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स, राइट। ट्राइंगल्स, इससे पहले मैंने ट्राइंगल्स की सारी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज सब डाल रखी हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें और देन ये क्वेश्चंस करें, फिर आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। बिकॉज नॉलेज पूरी होती है, फिर क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। नॉलेज अधूरी है, क्वेश्चन होगा ही नहीं, या बहुत कन्फ्यूजन के साथ होगा, फिर डाउट आता है कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द साइड्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ करिए, आई एम सो सॉरी। तो लेंथ दे रखी है साइड्स की, राइट। तो अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे आप 12, 13, 5 देखते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। बिकॉज ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। नाउ व्हाट इज ट्रिपलेट्स, देखना कैसे है आपको। देखो साइड्स क्या दे रखी हैं, 12, 13 एंड 5, राइट। साइड्स ये दे रखी हैं, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 1। साइड्स दे रखी है 12, 13 एंड 5। अब पता कैसे चलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं। पहले तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए 100 तक, ठीक है। याद होंगे तो आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बट इन केस अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको छोड़ के बाकी के दो बचे हुए साइड्स को ऐड कर दो, यानी कि 144 + 25। जैसे ही ये ऐड करा, तो ये जो इनका एडिशन आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। होता क्या है, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। और ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटन्यूज। बोलते क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर शुड ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटन्यूज का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इसका एरिया निकालना, 1/2 × बेस × हाइट, राइट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 cm². तो इज देयर एनी डाउट, समझ आ गया। जैसे ही आपने ये देखा, याद होना चाहिए कि दीज आर दी ट्रिपलेट्स, जो कि शो करता है कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आप डायरेक्टली फिर सॉल्व कर दोगे 1/2 × बेस × हाइट के थ्रू इसका एरिया, ओके। तो ये था हमारा आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 40। नाउ यहाँ पर ऑपोजिट दिया है, अभी आपसे एरिया पूछा था, नाउ यू हैव ऑलरेडी गिवन द एरिया। इफ इट्स बेस इज इक्वल्स टू 28 cm, फाइंड इट्स हाइट। अगर बेस इज इक्वल्स टू 28 cm है, देन वॉट विल बी द हाइट, राइट। यहाँ पर आपको दिया है इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ बाई यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइट और बेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है, कि एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 40 cm², बेस इज इक्वल्स टू 28 cm, यू हैव टू फाइंड दी हाइट, राइट। यू हैव टू फाइंड दी हाइट। नाउ एरिया दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दो, 1/2 × बेस 28 है, हाइट क्या है। अब यहाँ से इजीली आपको पता चल सकता है कि व्हाट इज़ द हाइट, राइट। इसको कैंसिल आउट कर दो 14, तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, 40/14। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका होगा 20/7, यह आ गई आपकी हाइट, क्लियर है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हमेशा बोला है कि वॉट एवर इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट बाय यूजिंग दैट ओनली यू कैन फाइंड द आंसर। उसके बाहर क्यों आपको देंगे इन्फॉर्मेशन, ही आपको लिमिटेड दी है ना, जिससे आपका आंसर ईजिली निकल जाए। तो जब एरिया दे रखा है, तो एरिया को यूज़ करके निकालो उसकी हाइट। तो हाइट आपकी 20/7, राइट। तो यहाँ ऑप्शन में आपका 20/7 कहाँ बन रहा है, 7 फोर सा
7 × 3 = 21, 20, okay, 7 × 4 = 14, and 14 + 6 = 20. अगर किसी बच्चे को आता नहीं है हाउ टू सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मैं बता देती हूँ, जैसे ये आपको दे रखा है, ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस होता है, कैसे, जो आपको यहाँ पर दिया है ना, नीचे डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 2 कितना होता है 14, और फिर जो ऊपर दिया है उसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, क्या बताया मैंने, जो डिनोमिनेटर में दिया उसके बगल में जो दिया उसका उसके साथ इंटू करो, फिर इंटू करके जो आंसर आता है तो जो ऊपर दिया है उसको ऐड कर दो, ठीक है, तो ये 20 बन रहा है और यहाँ पर भी 20 दिया, विच मीन्स कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्लियर, ओके. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड. नाउ ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा बता रखा है व्हाट आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड हाउ टू फाइंड देयर एरियाज एंड हाइट, और मैंने वहाँ पर आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन भी करा है, सो दैट देयर इज़ नो डाउट लेफ्ट, ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ एक बार, बट अगर आप वो वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको हर एक ट्राइंगल का मैंने एक्सप्लेन करा है. इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, अंडर रूट 3/4a² दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करा है, वो ज़रूर देखें आप, राइट. तो अब बताया है कि एरिया किसके इक्वल है, अंडर रूट 2/4a² / 4, एरिया इज इक्वल्स टू दिस. अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इज़ क्या, लेंथ ऑफ द साइड्स, राइट, तब आपको ये फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. अब 2 × 4 = 3, 2 × 4 = 3 को अगर आप एलसीएम लोगे तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 3 से जाता है 8, 1, देन अगेन 3 के बदले अगर आप 9 और 9 देख लो तो ये क्या बताता है कि 9 × 3 आपका 243 होता है, ठीक है, जिसको रूट सॉल्व करना नहीं आता उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, देखो अंडर रूट, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 × 9 × 3, क्लियर है चीज़. अब यहाँ पर 2 9 है तो मैं 9 को बाहर निकालूँगी तो 1 हो जाएगा, बचा क्या, अंडर रूट 3 बचा, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 3a², ठीक है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया. इज देयर एनी डाउट, करा क्या हमने कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4a², ठीक है, और ये एरिया हमें दिया कितना है, अंडर रूट 2/4, ठीक है, मैंने क्या करा, इस 2/4 को फैक्टराइज करा, सो देन मुझे पता चले इसके फैक्टर्स क्या हैं और जो दो फैक्टर हैं मैं उनको बाहर निकाल लूँ रूट के, ठीक है, तो मुझे पता चला कि 9 × 9 × 3 ये इसके फैक्टर्स हैं जिसमें से 9 को मैंने क्या करा, बाहर निकाल लिया, 2 9 बाहर निकालूंगी तब जाके 1 बनेगा, अंडर रूट है ना इसीलिए, ठीक है, बचा क्या मेरा, रूट 3 बचा, तो मैंने रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट कर दिया तो a² की वैल्यू मेरी आ गई 3, यानी कि जो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जो साइड्स हैं ए दैट आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्लियर है ये चीज़, ओके. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, राइट. नेक्स्ट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, व्हाट आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दे आर दोज ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स सिमिलर of same length and one side of different length, those triangles are known as isosceles triangle. यानी कि जिन triangle के दो sides की length same होती है and तीसरी side की length अलग होती है वो triangle isosceles triangle कहलाते हैं. Equilateral में क्या होता है कि तीनों sides equal होती है but isosceles में सिर्फ दो sides equal होते हैं, तीसरी अलग होती है, right? उसका perimeter क्या दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है. While equal sides together measures 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो equal side है उनका sum दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें पता चल गया कि third side कितना है, 6 सेंटीमीटर है. The third side and each of equal sides are respectively, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जब equal side का sum 20 है तो obviously equal sides 10 सेंटीमीटर की होंगी और 20 माइनस दिस करेंगे तो बची हुई एक साइड आगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर्स, क्लियर, ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो,
अब एक ट्रायंगल की साइड्स हमें रेशियो में दे रखी है. इफ़ पैरामीटर इज़ 52 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड. अगर पैरामीटर ये है तो सबसे छोटी साइड का लेंथ क्या होगा. पहले हम ये जो फ्रैक्शन में दिया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो बताती हूँ. आंसर 5, राइट. हमें साइड का क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है कि भाई तीन साइड्स है और वो इस फ्रैक्शन में है, ठीक है. तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो. क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, यानी कि ये तीनों का जो एलसीएम होगा उससे तीनों को इंटू कर दो. एलसीएम क्या होगा, 4 × 3 = 12 होगा एलसीएम, ठीक है. सबको 12 से इंटू कर दो. जैसे ही सबको 12 से इंटू करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 बचेगा. ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा. ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा. ये हो गया सिंप्लीफाइड रेशियो, ठीक है. इस तरीके से हम पहले रेशियो को लिख देंगे. अब बोला है ये मेरे साइड्स का रेशियो है. बोला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर, राइट. साइड्स का रेशियो दे रखा और पैरामीटर दे रखा. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. इज देयर एन अलाउड, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो जब मैं इनको इंटू करूँ, जब मैं इनको इन तीनों साइड्स को ऐड करूँगी तो मेरा 13x आ जाएगा. बिकॉज अभी हमें पता नहीं है ना कितना टाइम्स है साइड्स हमारा. तो 13x इक्वल्स टू 52, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4. सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, 3x वाली. तो 3 × 4, सबसे स्मॉलेस्ट साइड कितनी हो गई, 12 हो गई. क्लियर है. पहला स्टेप क्या करा, जो रेशियो में दिया था उसको हमने क्या करा, सिंप्लीफाइड करके हटा दिया उसका रेशियो, राइट. उसके बाद अब ये मेरी साइड्स की रेशियोज़ हैं, मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो मैंने सीधे x से इंटू कर दिया, राइट. तो x से इंटू करने के बाद मैंने सारी साइड्स को ऐड करके उसके पैरामीटर के साथ इक्वेट कर दिया. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो जब मैं सारी साइड्स को ऐड करके उसके पैरामीटर से इक्वेट कर दूंगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो साइड जाए कितनी टाइम्स. अब उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वही मेरी सबसे छोटी साइड होगी. तो मैंने x की वैल्यू से इंटू करके एक्चुअल साइड की लेंथ निकाल दी, ठीक है, जो कि है मेरी 12 सेंटीमीटर, विच इज़ देयर इन ऑप्शन डी. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट. इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल इज इतना, 100 स्क्वायर मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल एट 350 पर 100 स्क्वायर मीटर इज इतना, देन वॉट इज द बेस लेंथ. अच्छा, ये मेरा टोटल एक्सपेंस बताया है, ये मेरा रेट बताया है. यू हैव टू फाइंड द लेंथ, ठीक है, बेस दे रखा है और हाइट भी दे रखी है. तो क्या गिवन है, हमारा आंसर है ये 6. क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज अ ट्राइंगल, राइट. देयर इज अ व्हाट, ट्राइंगल. लेट्स नेम इट ABC. हाइट है x, ठीक है. हाइट दे रखा है मतलब कि जो हमारी हाइट है, बेस उसका क्या है, 7 टाइम्स है, ठीक है. तो हमारी हाइट हम x मान लेते हैं, बेस 7x मान लेते हैं. अब एरिया निकालते हैं कि एरिया कितना होगा, 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है. तो 7² / 2, ये मेरा एरिया आ गया, ठीक है. अब एरिया जो है, पेंटिंग का कॉस्ट कितना है, पेंटिंग का कॉस्ट है 350 रुपीज़ लगेंगे 100 स्क्वायर मीटर के. तो अगर 100 स्क्वायर मीटर कितने लगेंगे, तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना लगेगा, 35 रुपीज़, राइट. 35 रुपीज़ लगेगा. लगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ये तो हमारा आ गया पर स्क्वायर मीटर. एक्चुअल कॉस्ट हमारा जो लगा है, दैट इज़ 1225, राइट. इतना हमारा एक्चुअल कॉस्ट लगा है. कैसे लगेगा, जब हम एरिया को इंटू कर देंगे 35, यानी कि पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कर लेते हैं, पर मीटर स्क्वायर से जब हम इंटू कर देंगे तो हमारा इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है. अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है. बस इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा जाएगा 7 1 5 7
और ये 5, ठीक है। 35 से जाएगा ये हमारा 70, 5 जा, ठीक है, और ये हमारा इधर आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, राइट, इतना हमारा क्लियर हुआ। ये आई है 10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो कि आनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज हमने गलती क्या करी, यहाँ पर हमने जब डिवाइड करा तो ये 3.5 होना चाहिए, राइट, 3.5। तो हम यहाँ पर पॉइंट हटा के एक 10 ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 10 है, और बेस कितना है, 70 है। अब देखो दोबारा से एक बार देख लो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले हमने क्या करा, हमने एरिया निकाला, ठीक है, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ एरिया निकाल दिया कि एरिया हमारा आया 7x2/2। अब हमें दिया है कि 350 रुपीज़ में हम 100 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 350 रुपीज़ में 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में हमारे कितने लगेंगे, तो 1 मीटर पेंट करने में हमारे 3.5 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। हमेशा हम ऐसे तो करते हैं भाई, अगर हम 10 अंडे लेने जा रहे हो तो हम पहले एक अंडे का रेट पूछेंगे, राइट। तो वैसे अगर हम पूरी दीवार पेंट करें तो पहले हम 1 मीटर स्क्वायर का पेंट रेट पूछेंगे कि पर मीटर स्क्वायर आप कितना ले रहे हो, राइट। तो हमने इससे पर मीटर स्क्वायर की रेट निकाल दी। रेट निकालने के बाद क्या करते हैं, एरिया से उसको इंटू कर देते हैं। एरिया से इंटू करने के बाद टोटल एक्सपेंस हमारा इतना लगेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन 15, 25 एंड एक्स यूनिट, व्हाट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कंडीशन दे रखी है, मैंने आपको पहले भी ये समझाया है कि जब भी हम 3 साइड्स को मिला के एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, 3 साइड्स को मिला के जब भी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो उसकी साइड्स की कंडीशन होती है। देखो का अगर आप ऐसे बनाओ कि एक लेंथ इतनी छोटी ले लो, ठीक है, और एक लेंथ आप इतनी बड़ी ले लो, ठीक है, अब एक लेंथ ऐसे ले लो, तो ऑल्दो ये ट्राइंगल यहाँ पर पॉसिबल हो गया, बट अगर आप मान लो कि अगर आपने एक लेंथ 5 ले ली, एक लेंथ 7 ले ली, और एक लेंथ आपने ले ली 21, तो क्या इस लेंथ का ट्राइंगल पॉसिबल होगा, नहीं होगा, बिकॉज 5 इतना बनेगा आपका, 7 आपका बनेगा इतना। अब ये जो 21 है ये कितना ज़्यादा लंबा जाएगा, तो ये तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, 21 आपका इतना जाएगा। होना क्या चाहिए कि तीनों वर्टिसेस में मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशन बनाई जाती है ट्राइंगल के लिए। कंडीशन ये होती है कि हमेशा तीसरी साइड, ठीक है, दो कोई साइड ले लो, और दो साइड आप कोई सी भी ले सकते हो। मैंने अगर एक 5 ले ली तो मैं एक 20 ले सकती हूँ, बट यहाँ पर तीसरी साइड के लिए कंडीशन हो जाती है कि जो तीसरी साइड है आपकी, ये 15 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 15 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सॉरी 15 से बड़ी होनी चाहिए और 25 से छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन हो जाती है आपके यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है 20-15, इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ना कि इसके इक्वल भी नहीं हो सकती है, इससे हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए, और इन दोनों का सम, इन दोनों की सम से हमेशा छोटी होनी चाहिए, ये आ जाती है आपकी कंडीशन, ठीक है। वही कंडीशन आपको यहाँ पर बतानी है कि कौन सी सही है, ये सही होगी कंडीशन, बिकॉज जहाँ पर इक्वल के साइन लग जाते हैं वो ऑलरेडी ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। इन दोनों के सम से बड़ी छोटी नहीं होनी, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों की साइड के सम से बड़ी हो ही नहीं सकती, ना ही इक्वल हो सकती है, ना ही बड़ी हो सकती है, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से छोटी भी नहीं हो सकती और इक्वल भी नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें इफ़ यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ मोर। थैंक यू सो मच।